हमीरपुर एक ऐसा जिला शामिल है जिसमें पिछले 21 दिनों में एक भी मामला कोविड-19 का सामने नहीं आया है। कोविड के खिलाफ जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस ने भी प्रदेश सरकार के दिए गए सभी आदेशों को पूरी तरह से लागू कर जिले में संक्रमण को रोकने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि अभी तक हमीरपुर जिला से 44 लोगों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 37 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और गत दिवस भेजे गए 7 सैंपल की रिपोर्ट भी आना अभी बाकी है। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने बताया कि हमीरपुर में कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है और जनता का सहयोग भी इस दौरान प्रशासन को बखूबी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर में दूसरे जिलों से भी आवाजाही पूर्णतः बंद है और केवल हेल्थ इमरजेंसी में ही पास बनाकर बाहर जाने की इजाज़त लोगों को दी जा रही है। तैयारियां तो इनफैक्ट इस रेस्पेक्ट में वी आर लकी। फर्स्ट टाइम तो मैं इसको बोलेंगे कि जो हमारे कुछ नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स में भी आए, अधिकतर टीजे के केस थे, तो वो उस टाइम फरवरी में आके चले गए थे, तो कुछ लोग हम में पॉजिटिव आए। उसके अलावा दूसरा जो गवर्नमेंट की तरफ से जैसे डायरेक्शन थी उस रेस्पेक्ट में, तो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक वो है, गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्शन है क्लियर कट कि बाहर से या डिस्ट्रिक्ट के अंदर से मूवमेंट टोटली लोगों का बंद है। और जो जो भी हॉट स्पॉट या डिफरेंट जगह पे नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हो रहा है, नियर बाय स्टेट्स में क्या हो रहा है, उसको सारे को हम ट्रैक करते हैं। हमारे पास जितने भी लोग आ रहे हैं या उनका भी हम प्रॉपर वॉच रख रहे हैं। अभी तक हम लोग लकी हैं और इसको हम चाहते हैं कि जो फिगर है वो नीली ही रहें, क्योंकि हमने हमारे रेस्पेक्ट में जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं या जो आने के लिए डिफरेंट जगह पे से, क्योंकि लोग करते हैं रिक्वेस्ट भी, बट हम इस चीज़ को रिस्क को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि क्लियर कट डायरेक्शन है कि डिस्ट्रिक्ट में न कोई बाहर से आएगा। कुछ केसेस हैं मेडिकल इमरजेंसी जिसमें लगता है कि नियर बाई फैमिली में ही डायरेक्ट रिलेशन में कुछ इमरजेंसी है, उसके बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि आप हमें बताएं। हमारे वॉलंटियर्स हैं, रेडक्रॉस भी हैं, पूरी टीम है, हम कुछ इश्यू है तो आपकी फैमिली कैसे मदद कर सकते हैं, वो सारे प्रिकॉशंस हम कर रहे हैं। हरिकेश मीणा ने बताया कि हमीरपुर में 3 लोग तबलीगी जमात से संबंध रखने वाले पहले ही जिला के बाहर कांगड़ा में क्वारंटाइन थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा ट्रैकिंग के माध्यम से प्राइमरी कॉन्टैक्ट को पहचान कर क्वारंटाइन कर भेज दिया था। उन्होंने बताया कि एक्टिव केस फाइंडिंग में 5.25 लाख लोगों को घर घर जाकर उनका डाटा तैयार किया गया और कोविड से संबंधित जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया था। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिला में डरने की कोई भी बात नहीं है। इसमें हमारे 3 लोग थे जो पहले ही 15 मार्च से पहले इनफैक्ट चले गए थे यहाँ से, फिर थुरल में कांगड़ा में वो क्वारंटाइन हो किया उनको क्वारंटाइन, तो जैसे भी हमारे चाहे हॉटस्पॉट एरिया इन्फॉर्मेशन आती है उनके, चाहे फर्स्ट कॉन्टैक्ट में हो या उनको, हमने प्रॉपर ट्रेसिंग किए हैं, सभी के सैंपल भेजे हैं। अभी तक हमने डिस्ट्रिक्ट में 44 सैंपल्स भेजे हैं जिसमें 37 की रिपोर्ट आ गई है, ऑल नेगेटिव हैं। 7 कल सैंपल्स भेजे थे तो वी आर होपिंग कि वो भी नेगेटिव होंगे, क्योंकि ऐसा इशू नहीं था, बट हमने एहतियात के तौर पे वो भेजे हैं क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आई थी। और दूसरा जो ACF एक्टिविटी है, एक्टिव केस फाइंडिंग, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन के बारे में सभी डिस्ट्रिक्ट में चलाई, हमने भी बड़े एक्टिवली उसमें किया, 5.25 लोगों को डोर टू डोर पे एक्टिवली उनकी जो टेबुलर फॉर्म में कि कुछ उनको इश्यू तो नहीं है, इनको इन्फ्लुएंजा या ILI उस चीज़ों में आइडेंटिफाई किया है और उनको स्पेशली हम केयर कर रहे हैं, ज़्यादा इशू नहीं है, मतलब सब ठीक है उस रेस्पेक्ट में। काफ़ी एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज थी और हमें कुछ इस तरह से अलार्मिंग कोई चीज़ें नहीं नोटिस हुई। उपायुक्त हरकेश मीणा ने बताया कि आगामी 3 मई तक कर्फ्यू लागू रहेगा और इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। मतलब क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है और ये इसी कंटिन्यूटी में कंटिन्यू रहेगा और इसके लिए 20 तक तो उसी जो हम सख्ती पहले रखे रहे हैं उसी कंटिन्यूटी में इसको रखेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे डायरेक्शन आती है, क्योंकि लॉकडाउन तो 3 तक ही है, बट जैसे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या डिफरेंट चीज़ों को हम लोग किस तरह से कर पाते हैं, विल टेक अप दैट वन।